गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो नवरात्रों की आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अभी मैं बैठी हूँ बालकनी में और हर्षू गया हुआ ट्यूशन, कार्तिक भी गया हुआ ट्यूशन और मैं अभी सो के उठी थोड़ी देर पहले, क्योंकि स्कूल से आती हूँ तो थोड़ा थक जाती हूँ। खाना पीना खाया और उसके बाद में मैं सो गई। सोई क्या आधा घंटा ही, ज़्यादा आराम नहीं कर पाती। बच्चे शोर मचाते इस वजह से, क्योंकि वो लोग अपना अपना काम कर रहे होते थोड़ा बहुत, और फिर ये लोग शोर शराबा मचाते, इस वजह से मैं अच्छे से नहीं सो पाती हूँ। तो मैं कपड़े भिगो के गई थी, कपड़े में धो के नहीं गई थी, सुबह लेट हो रही थी इस वजह से। देखिए मेरी रेलिंग पे कपड़े पड़े हुए, हर्षू के भी कपड़े हैं अंदर ढके हुए और मेरे भी कपड़े हैं जो कि मैंने सुबह चेंज करे थे इस वजह से। तो अभी हम चलेंगे मम्मी के घर, मैं अपनी माँ के घर लेके चलूँगी आप सभी को। मेरी नानी जो है मम्मी के घर आई हुई, क्योंकि मेरी बहन आज ट्यूसडे, तो मेरी बहन की छुट्टी है रेनू की, तो वो घर पे है, तो इसलिए नानी को बुलाया था। तो सुबह मैं गई थी तो वो ऊपर छत पे थी, कपड़े वपड़े कर रही थी और मैं जल्दबाजी में थी, इसलिए फिर मैं निकल गई। मैंने बोला कोई बात नहीं, स्कूल से आ जाऊँगी। तो दोपहर को फ्रेंड धूप इतनी तेज़ होती है ना, घर से निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता है, और बच्चे स्कूली ड्रेस में थे, इसलिए मैं सीधा उधर गई नहीं। मैंने बोला घर जाऊँ, थोड़ी देर मुँह हाथ धोऊँगी, आराम करूँगी, उसके बाद मैं शाम को 4-5 बजे करीब निकल लेंगे। तो बर्तन वर्तन भी धो लिए, अभी शाम का पोछा भी लगा लिया है और कपड़े वपड़े भी धो के डाल लिए हैं और चलते हैं। हर्षू के भी ट्यूशन का टाइम होने वाला है, 5:30 होने वाला है, छुट्टी होने वाली है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे रुकूँ, उसको लेके साथ में जाऊँ या उसको उधर से लेने आऊँ मम्मी के घर से। वैसे तो ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है, 5-10 मिनट का ही रास्ता है। 5 मिनट गई, मुश्किल से 5 मिनट का सफ़र है मम्मी के घर से यहाँ तक का, जहाँ मैं रेंट पर रहती हूँ। तो शाम हो गई है, तो नानी भी फिर मामा के घर चली जाएंगी। तो दिखाती हूँ आपको छत से शाम हो रही है, देखिए पूरी गली का माहौल ऐसा है कुछ। और ये मेरा ड्रम जो रखा हुआ पानी भरा हुआ, पानी कई दिन हो जाते हैं आता नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से आंटी ने, हमारी मकान मालिक ने ड्रम दिए थे कि इस बार इसको इस्तेमाल कर लेना। वैसे तो ऊपर टंकियाँ भी लगी हैं पर वो पानी ख़त्म हो चुका है। तो ये ड्रम है मेरी 500 लीटर की टंकी, एक ड्रम और है जो अंदर है। तो हवा बहुत ही अच्छी चल रही, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और गर्मी जब स्टार्ट हो जाती है ना, सर्दियों में तो नहीं, सर्दियों में तो अंदर छुप के ही चाय पीते हैं, गर्मियों में मॉर्निंग का टाइम हो या इवनिंग का टाइम हो, शाम की चाय जो है बालकनी में ही अच्छी लगती है। तो इस वजह से सुबह मेरे हस्बैंड भी जाते हैं ना ड्यूटी, तो बालकनी में ही चाय नाश्ता करके आराम से बैठते हैं, ठंडी ठंडी हवा के मज़े लेते हैं, उसके बाद ड्यूटी निकलते हैं। नाश्ता वास्ता करने के बाद में बालकनी में ही चाय होती है, चाहे शाम की हो चाहे सुबह की हो। तो आप लोग बने रहिए कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में, आपको नानी और रेनू से भी मिलवाऊंगी। और जो भी मेरे भाई बहन, मेरी माताएँ मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप लोग अपने अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिए मुझे। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर आने वाला वीडियो हमारा आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं, आपको मिलवाते हैं अपनी नानी और अपनी बहन से। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ मम्मी के घर पे और वो औरत देखो कैसे मुंह लटकाए बैठी हुई है, है? और इधर देखो मम्मी भी आ गई रोटी से, और ये हमारी नानी, नानी बैठी है ना नानी, अपनी नानी बैठी है। अबे मामा ही है, अबे मामा आएंगे थोड़ी देर बाद लेने के लिए, तो नानी चली जाएंगे। और हर्षू ऊपर स्केटी चला रहा है, हर्षू बहुत दुखी कर रहा है। तो नानी को यहाँ दिखाई पे मेरे नजदीक थे, इधर का नानी जी है गाँव, गाँव जी हो नानी? हाँ, जयवानी का की क्या संग जयवानी, मामा संग जाएंगे गाँव, क्योंकि सरसों कटे हैं तो उसको थोड़ा देखाभाली करने जाएंगे। कटे थे किसी घर में लगे होते, वहाँ कोई रहता नहीं है, तो मामा जाएंगे और सरसों अपना घर में लगा लोगों के साफ सुथरा। ने गेहूं नहीं, सरसों तो कट गए ना, सरसों तो कट गए। हाँ, तो मामा के साथ अप्रैल में चली जाएंगी गाँव, पता नहीं अभी बाद में मुलाकात होगी कि नहीं होगी। निका का भाई मरे देते, सही बात है, मरे थोड़ो जल्दी, तो फ्रेंड मिल नहीं पाते जल्दी जल्दी, क्योंकि नानी उधर मामा घर पर रहती है और हम लोग भी जाते हैं, सब ड्यूटी वगैरह सब जाते हैं, झूला कर आते हैं। हाँ, इधर ये औरत जो पीछे देख रहे हैं आप लोग, ये भी ड्यूटी आती है, इसका प्रमोशन हो गया है, इसका प्रमोशन हो गया है। और फिर भी कुछ नहीं, जितना मिल जाए उतना कम है, कोई नहीं, चाहे हफ्ते बाद आओ, 15 दिन बाद आओ, महीने बाद आओ, नहीं मुंह लटका ही रहेगा। प्रमोशन हो गया, सैलरी बढ़ गई, कोई लेना देना नहीं है, मुंह लटका ही हुआ है इसका, औरत का है ना। वो देखो मेरा पर्स छेड़ रहा है हर्षू, ये देखो मेरे पर्स की तलाशी कर रहा है, ये चोर बंदा है। कुछ बोल अपने फ्रेंड्स को, चोरी कर ली, चोरी कर ली, कुछ बोल दे गाइस, कह रहे हैं
बनाएंगे फ्रेंड्स। इस बार तो वैसे मेरा नवरात्रों में ही जाने का बहुत मन था, मैं सोची थी इस बार नवरात्रों में मैं जाऊंगी जरूर। पिछली बार नवरात्रों में गए थे तो गाइस पता है क्या है, पिछली बार ना हम लोग नवरात्रों में ही गए थे वैष्णो देवी, और इस बार जाने का इतना मन था पूछे मत, बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटमेंट होती है जाने की और बहुत ही खुशी होती है, पर क्या करे थोड़ा टाल दिया, नहीं तो कोई जाने वाला साथ ही नहीं मिल रहा था और अकेले अकेले इसकी भी जल्दी छुट्टी नहीं होती। पिछली बार जब हम गए थे ना पूजना के लिए बड़ा फेमस हो रहा है। गाइस नानी बोल रही है ना, मैं कार्तिक की जितनी थी मतलब मेरा बेटा जो बड़ा वाला है उतनी छोटी थी। तुमका ले गए रंगावदी छोट दरी रहा तब से हम कुका ले या फिर आगे दे दो फटे पुराने कपड़े पहन के बताओ। मैं वैष्णो देवी मम्मी बता रही गई थी, गई ना गाँव में गई गाँव गए रन। अच्छा गाँव गए पुण्यागिरी भी बहुत फेमस हो रहा है इस वक्त, बहुत सारा वीडियो देख रहे हैं, बहुत वीडियो देख रहे हैं, पर वैष्णो देवी जाने का दोबारा बहुत मन है। भगवान कितनी धर रहा है औरत बनना चाहिए, इतना मेकअप करने का शौकीन है ना ये भी कार्तिक भी तक गंदा बच्चा पैर मार रहा है बिल्कुल कैमरे के सामने तो घुसे बजाया जा रहा है, मार धाड़ हो रही है। गाइस देखिए आजकल मार धाड़ माँ बाप की कोई इज्जत नहीं करते हैं आजकल के बच्चे, अपने माँ बाप पर हाथ उठाते हैं, बताओ इतना बदमाश है। तो गाइस वैष्णो देवी जाने का बहुत मन होता है, जब भी मैं वैष्णो देवी की वीडियो देखती हूं बहुत मन होता है। बालाजी भी जाने का मन है, एक बार मैं जा चुकी हूँ वैसे तो, पर फिर भी जब बुलावा आएगा तभी पहुंच पाएंगे, चाहे बालाजी हो चाहे कहाँ गई थी आज वो है ना फर्स्ट। अच्छा नवरात्र है ना गाइस, तो इसलिए कुछ शुभकामनाएं दे दे मेरे फ्रेंड्स को। नवरात्र नवरात्रि ऑल ऑफ यू। तो गाइस नवरात्रि इसलिए सुबह मम्मी ने बांधा है, उधर मम्मी का फास्ट है, मम्मी खा रही है संतरा, और एक तो लड़का चोरी करके संतरा खा रहा है हमारा। ओ चोर 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 चोर। तो गाइस कार्तिक की भी छुट्टी होने वाली होगी, वो भी आने वाला होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी सेहत कितनी सुधर रही है। गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेनू की सेहत कितनी सुधरती जा रही है, यानी कि उल्टा डाइट पे हूँ या फिर ये योगा का असर है। ये योगा का असर है, इतनी भी नहीं डाइट की थी, कुपोषण का शिकार हो गई मेरी बहन है ना। बताओ गाइस खान पान में पता नहीं क्या है, सिर्फ वहाँ इसको जाके फैट नहीं है, कुछ करना नहीं है, बैठे बैठे काम है। हाँ लैपटॉप चला रही है बैठे बैठे, तू वहाँ पे सिर्फ बैठने वाला काम है, रिसेप्शन पे इसका बैठने का काम है और कोई काम नहीं, तब तो ये हालत हो गई है। तो नानी आप इधर देखो, ये हमारी मम्मी बर्थ संतरा खा रही है। नानी कुछ बोल दो, कहा हमारे फैंस के तो हम गांव जाए भी गांव जाए खेती बारी करे भी जाए। हाँ लाई बिया तुरई क्या तुरई क्या लई बा तुरई क्या बातें तुरई क्या लई बा ओ करे अल्लक बहनी हुआ जाए बा जी हमारे जीजी बुलाई से। हाँ अपनी बहन से मिलने जाएंगे, अभी इनकी बहन जिंदा है गाँव में, तो यहाँ से जाएंगे। अरे बच गए हैं आपके देखे आई बस चार बहने हैं। उतनी मना नहीं है नरे ही नहीं फोटो नहीं दिखाई तुम का काम करती। तो दोस्तों इस ब्लॉग को भी यही एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं ये आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों इतना ही नवरात्रि सबको पता है कि नवरात्रि है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।